मेरे हाथ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि कमा नहीं सकते या कर्ज अदा करने की ताकत नहीं रखते? तो फिर मैं तुमसे पैसे क्यों लूं? पर तुम हाथों से तो नहीं कमाती हो। फिर कैसे कमाती हूँ? अपना चेहरा और जिस्म दिखाकर। देखो मोमिना, आज तुम टीवी करी हो, कल तुम फिल्म करोगी। मर्द कैसे देखता है स्क्रीन पे आने वाली एक्ट्रेसेस को, ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मैं इतना लिबरल भी नहीं हूं कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं। मोमिना, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वालदेन की जिम्मेदारी उठाऊंगा, दिलो जान से उठाऊंगा। तुमसे प्यार करता हूं यार, और प्यार में कोई आसान वैसा नहीं होता, सिर्फ हक होता है। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं, तुमने कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है और कहती रहेगी। और तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हमेशा कहती थी तुम एक्टिंग नहीं करना चाहती, सिर्फ मजबूरी में ये काम कर रही हो। तुम्हारे पैर मेरे जूतों में नहीं है, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सारा कर्जा अदा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिल्म नहीं मोमिना, मैं तुम्हारा फिल्म करना कबूल नहीं कर सकता। और टीवी, मैं कई साल भी लगा दूं तब भी एक्स्ट्रा का रोल करके ये कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगी। तुम बार बार कर्ज की बात क्यों कर रही हो? जब मैं कह रहा हूं कि मैं सब करने को तैयार हूं, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? या मैं भी ये समझ लूं कि तुम्हें भी शोहरत का चस्का लग गया है? मेरे पेरेंट्स पहले ही कहते हैं, एक बार लड़की टीवी में आ गई तो वो घर में बैठ के घरदारी नहीं करेगी। शोहरत का चस्का? मैंने इस शोहरत से जहांगीर के इलाज के अलावा कभी कुछ नहीं कमाया। तुम तो मुझे जानते हो, तुम ही ये बात कर रहे हो। ये बात मैं नहीं कह रहा यार, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं। देखो मैंने उन्हें मना तो लिया, पर बहुत मुश्किल काम है, इसलिए प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी मुश्किल आसान कर दो, बात मान लो मेरी। अम्मी पहले ही तुम्हारा फिल्म का सुन के बिगड़ी हुई है, प्लीज मोमिना। अच्छा मूड तो ठीक करो ना अपना। सुनो, थैंक यू। किस लिए? इस फैसले के लिए। कल रिंग पसंद करवाने के लिए लेने आऊंगा तुम्हें। मोमिना, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वालदेन की जिम्मेदारी उठाऊंगा, दिलो जान से उठाऊंगा। तुमसे प्यार करता हूँ यार। झूमर सलाम अर्ज करती है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं सब करने को तैयार हूं, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? या मैं भी ये समझ लूं कि तुम्हें भी शोहरत का चस्का लग गया? देखो मोमिना, आज तुम टीवी करी हो, कल तुम फिल्म करोगी। मर्द कैसे देखता है स्क्रीन पे आने वाली एक्ट्रेसेस को, ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मैं इतना लिबरल भी नहीं हूं कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक। अंदर आओ, क्यों खड़े हुए बाहर, अंदर तो आ जाओ। नहीं आंटी, एक्चुअली थोड़ी जल्दी है, वो मोमिना को लेकर थोड़ी शॉपिंग पे जाना था, आप प्लीज उसे भेज दें। मोमिना? वो तो अमेरिका चली गई, उसने तो कहा कि उसने तुम्हें बता दिया। हाँ याद आया, एक लिफाफा छोड़ गई तुम्हारे लिए, कहा था तुम्हें दे दूँ। हाँ तुम रुको, मैं लाती हूँ। ये लो बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ फिर। अरे बेटा अंदर आते पानी वगैरह तो पी के जाते।
नहीं, एक्चुअली मैंने कहा ना थोड़ी जल्दी है, अम्मी को क्लिनिक भी लेके जाना है। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी, खुदा हाफिज बेटा। मेरे हाथ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि कमा नहीं सकते या कर्ज अदा करने की ताकत नहीं रखते? पर तुम हाथों से तो नहीं कमाती हो। फिर कैसे कमाती? अपना चेहरा और जिस्म दिखाकर। देखो मोमिना, आज तुम टीवी करी हो, कल तुम फिल्म करोगी। मर्द कैसे देखता है स्क्रीन पे आने वाली एक्ट्रेसेस को, ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मैं इतना लिबरल भी नहीं हूं कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं। मजा आ रहा है? सातवें आसमान पर होगे तुम तो हॉलीवुड पहुंच कर। आठवें आसमान पर। आठवां? पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई है। I worked there for 15 months but I was working in different departments. That project. दिल करता है रोज आपा की सालगिरह आए, आप और हम रोज इतने खाने खाएं। वाह वाह। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम खा नहीं रही? ओ मिर्च ज्यादा है खाने में, बस अब एक हेल्दी मिर्च लग गई। किसमें? जिंदगी में। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हमेशा कहती थी तुम एक्टिंग नहीं करना चाहती, सिर्फ मजबूरी में ये काम कर रही हो। तुम्हारे पैर मेरे जूतों में नहीं है इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सारा कर्जा अदा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिल्म नहीं मोमिना, मैं तुम्हारा फिल्म करना कबूल नहीं कर सकता। और टीवी? मैं कई साल भी लगा दूं तब भी एक्स्ट्रा का रोल करके ये कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगी। तुम बार बार कर्ज की बात क्यों कर रही हो? जब मैं कह रहा हूं कि मैं सब करने को तैयार हूं तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? या मैं भी ये समझ लूं कि तुम्हें भी शोहरत का चस्का लग गया? टूटता है रोज दिल, रोज जोड़ू मैं इसे, बसता उम्मीदों का है रोज खोलू। I'm so happy to see you coming back from Turkey. Same here, you look nice. You look fresh. Let me guess. बहुत पार्टी भी हुई है रखी के साथ। वो तो मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताऊंगा, but अभी I have a huge surprise for you. Surprise? Let me make another guess. I think I already know. तुम्हारी इस फिल्म की लीड भी मैं ही हूँ। Yaar, you know what? I can't trust you. Tum sare surprise ka tumne bhejo. I'm just too good. Let's sit and let's start soon. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Mujhe to yakeen hi nahi aa raha ki main ek hi saal mein aapke sath do film kar. I'm privileged. Right. I have full faith in you, huh? Best of luck. Okay. Acha, listen. मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने इस साल दो मूवीज की हैं, दो फिल्में की हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। मैं साफ साफ बता रहा हूँ टीना, अगर इस फिल्म में मेरी कंपनी को पार्टनर नहीं लिया ना तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। अच्छा अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैंने बात की है बॉस से और वैसे भी अभी कोई ब्रांड फाइनलाइज नहीं हुआ। तुम एक काम करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग के लिए आ जाओ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।
जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और आप बड़े क्यूरियस होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी और मेरी फिल्म के बारे में भी। इसके बारे में पहले ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आज मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल्स बताना चाहूँगा। एक तो ये फिल्म मेरे लिए मेरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंज, और ये फिल्म मेरी अब तक की सबसे हाई बजट फिल्म। एक साल में कल्बे मोमिन पहली मरतबा दो फिल्में लेकर आ रहा है, बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगा। इस साल कल्बे मोमिन के अलावा किसी और का सिक्का नहीं चलेगा। आप लोगों की बात वगैरह तो नहीं हुई कल्बे मोमिन से, इस फिल्म से रिलेटेड? देखिए, बातचीत की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, कल्बे मोमिन के हर प्रोजेक्ट पर हम ऑन बोर्ड ही होते हैं। वी डू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद कल्बे मोमिन फिल्म्स। ये फिल्म मेरी तीनों फिल्म से मुख्तलिफ, इसका सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड, रूहानियत। एक्सक्यूज मी, आप रिपीट करेंगे प्लीज, आप किस टॉपिक पे फिल्म बनाने लगे? आई एम श्योर आपको लगा होगा कि आपने गलत सुना, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इस फिल्म का सब्जेक्ट होगा स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत। मेरे पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता हूँ, और मेरी फिल्म आइटम नंबर्स, ग्लैमर और अपस्केल लोकेशंस की वजह से ही हिट होती है। इस बार मैं जिस्म के बारे में नहीं बल्कि रूह के बारे में फिल्म बनाना चाहता हूँ। आइटम नंबर्स के बगैर मैं इस बार अपनी हीरोइन के जिस्म को पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने की बजाय मैं उससे सोल सर्चिंग करवाऊँगा, यू नो, फूड फॉर थॉट। मोमिन नशे में है ना? 100% नशे में, पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है आजकल। एनीवेज, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शली और अब्बास का, जो मेरी इस फिल्म में भी मेरे लीड। बाकी मेरी टीम वही होगी जो सनम में थी। इस फिल्म को हम दो तो सर घूम रहे हैं, चार आइटम नंबर नहीं होगा तो फिल्म हिट कैसे होगी? तुमने तो फिर भी कुछ बता दिया उसने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस स्पिरिचुअलिटी की फिल्म में मैं क्या करूँगा। बैठे बिठाए स्पिरिचुअलिटी पर फिल्म, और वो भी इतने सारे स्कैंडल्स के बाद जो कि कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर आपको दरपेश हैं, तो क्या ये फिल्म उन स्कैंडल्स की वजह से आपका इमेज ख़राब होने की बेहतरी की तरफ कोशिश तो नहीं? देखिए जी, मैं रूमर्स और सोशल मीडिया स्कैंडल्स के ऊपर फिल्म बनाने का फैसला नहीं कर। रूहानियत पे आप फिल्म बनाना क्यों चाह रहे हैं? कि आप भी दूसरे बहुत सारे जवानों की तरह बॉर्न अगेन मुस्लिम तो नहीं हो गए? ऐसी बिल्कुल बात, मैं अभी भी सिर्फ नाम का ही मोमिन। स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत पे फिल्म बनाने का मकसद यह है कि अगर मैं अपने आप को एक अच्छा फिल्म मेकर समझता हूँ, तो फिर नॉन कमर्शियल टॉपिक्स के बारे में भी मुझे एक अच्छी और कामयाब फिल्म बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। और इस फिल्म के फाइनेंसर कौन होंगे? जी, फाइनेंसर्स ब्रांड्स का फैसला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये सिचुएशन मुझे मेरी पहली फिल्म में भी दरपेश थी, और उससे क्या हुआ था कि फाइनेंसर्स की क्लाइंट लग गई थी, सभी ऑन बोर्ड आना चाह रहे थे, तो उसके बाद हमने फिर मीटिंग्स करके खुद शॉर्ट लिस्ट किया कि हम किस ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं करना चाहते। सो इस बार भी ऐसा ही होगा, तो हम मीटिंग करके फाइनलाइज, जैसे ही ब्रांड्स करेंगे, फाइनेंशियल फाइनलाइज होगा, तो वी विल डेफिनेटली लेट यू। नेक्स्ट वन, आपकी इस फिल्म का नाम क्या होगा? नाम अभी फाइनलाइज। और कहानी क्या होगी? वेल, एज आई सेड बिफोर, इसकी थीम फाइनलाइज्ड है, लेकिन कहानी अभी जो है लिखना बाकी है। तो हमारी टीम में मुल्क के रेनाउंड राइटर्स हैं, उनमें से किसी को भी हम जो मेरिट पे पूरा उतरेगा, जिसके पास बेहतरीन आइडिया होगा, उसको ऑन बोर्ड लेंगे। और एज यू ऑल नो नाउ कि द फिल्म्स टॉपिक इज स्पिरिचुअलिटी, तो जो भी स्टोरी होगी वो इसी मेन टॉपिक के अर्द-गिर्द रिवॉल्व करेगी। एनीवेज, आई थिंक के अभी के लिए इतना काफी है, एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, यू ऑल हैव अ गुड नाइट, थैंक यू। अब्बास, अब्बास आपसे एक सवाल है। अब्बास एक्सक्यूज मी, आपको कैसा लग रहा है? अभी एक स्पेशल फिल्म में वार्डरोब क्या करूंगी मैं यार, मतलब मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं ना इसमें। नहीं नहीं, तुम मुझे ज़रा स्टोरी पता चलने दो, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, बस मुझे करेक्टर्स पता चल जाएं। जैसा भी हो, स्पिरिचुअल स्टोरी है, ग्लैमर आखिर किस हद तक होगा इसमें? बड़ा ही कोई अहमकाना प्रोजेक्ट है यार। आई एम सॉरी टीना, आई एम नॉट वेरी कीन टू डूइंग दिस यार, प्लीज़ कर लो, प्लीज़।
जी मोमिन, तो सर हम कब से शूट करेंगे आप? यार आई टोल्ड यू के जैसे ही फिल्म खत्म होती है तो आई गेस 8 या 10 महीने तक सनम की शूट स्टार्ट हो जाएगी। 8 से 10 महीने, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई लव दैट स्टोरी और मेरा ब्रांड बड़ा कीन था कि जरा जल्दी आ जाती। आई नो वेल वो तो जब आएगी आएगी, बट यू आर मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। या वी वुड लव टू डू अ प्रोजेक्ट विद यू, बट द रीजन द थिंग इज स्पिरिचुअलिटी को मेरा ब्रांड क्या करेगा? यू नो हम तो सेलफोन्स बेचते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी का तो ऐसा सच मतलब कोई काम ही नहीं। तो ऐसा है कि आप ये फिल्म करें, इसके बाद नेक्स्ट फिल्म के लिए तो मतलब वी आर गेम। सो यू सेइंग दैट यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म? नहीं मोमिन, वी आर इंटरेस्टेड इन एवरी प्रोजेक्ट दैट यू डू, लेकिन जाहिर है ना हर प्रोजेक्ट के लिए तो ऑन बोर्ड नहीं आ सकते, तो ये है कि पिक एंड चूज करना होता है। और सनम हमारी तरह का प्रोजेक्ट है और उसके लिए हम आपके साथ जरूर आएंगे। फाइन, ठीक है, तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि इस फिल्म के लिए मैं भी कोई और ब्रांड देख लेता हूँ, बिकॉज मार्केट में भी बहुत ज्यादा सेल फोन मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ओके, इफ यू विल एक्सक्यूज मी, टेक केयर। क्या रिस्पॉन्स था मीडिया का और ब्रांड्स का? हम ये प्रोजेक्ट कर ही क्यों रहे हैं? I mean there was another project we were supposed to do. क्या मतलब? मतलब ये है बॉस कि हमें अभी अपना फोकस उसी प्रोजेक्ट पे रखना चाहिए। उसका काफी काम भी हो चुका है प्री-प्रोडक्शन का। मेरी मर्जी। मैं जो भी प्रोजेक्ट जिस वक्त भी करना चाहूँ मेरी मर्जी। अपने मशवरे अपने पास रखो। मोमिन भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से जितना भी इंटरेक्शन हुआ सबका रवैया अजीब सा था। सब यही बात पूछ रहे थे कि आखिर किस किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, और कुछ? और ब्रांड्स का तो उससे भी बुरा रिस्पांस था। किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे क्लियर कट नो नो थी। और शैली और अब्बास की भी रिजर्वेशन थी, सोफिया भी कोई खुश नहीं गई है। कल बे मोमेंट के करियर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और तुम लोग मुझे ये कह रहे हो कि ये ब्रांड्स इंटरेस्टेड नहीं है, मीडिया को समझ नहीं आया, एक्टर्स को एतराज है। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मीडिया, मीडिया को तो बाय भी किया जा सकता है, और ये जो ब्रांड्स है, ऑल दे नीड is proposals and understanding of the project, that's all they need. Actors ko sirf paisa chahiye hota hai. Unko paisa mil raha hai, unko film mil rahi hai, why would they mind? Main abhi yehi advice karungi ki hame itna ambitious project nahi karna chahiye aur Sanam ko hi pehle karna chahiye. मैं ये प्रोजेक्ट हर सूरत में सनम से पहले करूंगा। Is that understood? प्रोफेसर से इजाजत लेकर गई हो ना? अम्मा आप मुझसे रोज यही सवाल पूछती हैं और मैं रोज आपसे कहती हूँ हाँ। पता नहीं, उस दिन से मुड़कर आया नहीं, ना ही कोई राब्ता किया उसने ना उसके माँ बाप ने। वो मेरा सब कुछ ठीक है ना? हर इंसान मसरूफ होता है अम्मा, मेरे पास आप लोगों से बात करने की फुर्सत नहीं है, उसके पास कहाँ होगी। कितनी अजीब बात कर रही हो तुम। आप जब भी फोन करती हैं सिर्फ फैसल के बारे में ही पूछती हैं, कुछ और नहीं पूछती। और क्या? मेरी फिल्म के बारे में, अमेरिका के बारे में। ना करती फिल्म तो अच्छा था। तो खर्चा कैसे उतरता अम्मा? Thank you.
ये हेडलाइंस देखी है तुम लोगों ने? बहुत बुरा रिस्पांस आया मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। बड़े चैनल्स ने तो न्यूज इग्नोर कर दिया, और अगर न्यूज़पेपर में आई है या तो तनकीद कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। I know, देख चुका हूँ। I have another bad news for you. क्या? Telefine ने सनम की स्पॉन्सरशिप से मना कर दिया है। What? एहसन से डील लॉक कर लिया उन्होंने। वो ये कैसे कर सकते हैं? मेरी बात करा उनसे। वो कह रहे हैं कि उन्हें अगले 4 महीनों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है। अगर सनम नहीं हो रही तो बैकआउट कर रहे हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट ही तो है। वही तो सब कुछ है इसके अंदर। उन्हें मजहब से रिलेटेड कुछ नहीं करना। इट्स अ बिग नो नो फॉर देम। सब मैं तो स्पिरिचुअलिटी की बात करो यार, रूहानियत की बात करो, वो तो यूनिवर्सल होती है। उनके लिए ये एक ही चीज है। क्या एक चीज है? बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म। You have to be kidding me. ये सब मैं नहीं, वो कह रहे हैं। उन्हें मजहब और रूहानियत के पास से भी नहीं गुजरना। अनटचेबल सब्जेक्ट्स उनके लिए। फाइन, टेलीफाइन कैन गो टू हेल। अगर वो इस फिल्म से बैकआउट कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ आइंदा कभी काम नहीं करना चाहता। और जिस जिस ब्रांड ने हमसे सनम के लिए राबता किया उन सबको ईमेल्स करो। इट्स अ कल्बे मोमेंट फिल्म यार, कोई भी ब्रांड आ जाएगा। हाँ सर, आप एक मर्तबा सोच ले। सोच लिया मैंने, सोच लिया, जो कह रहा हूं वही करो। ओके सर। थिएटर में इंटरेस्टेड हो तुम? थिएटर? हाँ, न्यूयॉर्क में एक थिएटर कंपनी है, अगले महीने प्ले कर रही है ABC's पर, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज पर। उनको कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी चाहिए। कभी किया नहीं मैंने। तुम कर लोगी। मुझसे पूछा था उसके कास्टिंग डायरेक्टर ने तुम्हारे बारे में, मैंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगी। कमर्शियल्स क्या है उस प्रोजेक्ट के? निगोशिएबल है, अगर पे अच्छा करेंगे तो कर लूंगी। अच्छा कितना? जिससे एक बेहतर घर का एडवांस और सिक्योरिटी देकर शिफ्ट कर सकूं। ये वाला घर खाली करना है मुझे। मोमना, ये मत कहना कि मैं वियर्ड हूँ। मैं जानती हूँ काफी वियर्ड हूँ मैं। Let's make a deal. मैं तुम्हें मैनेज करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि तुम में बहुत पोटेंशियल है और मेरे कनेक्शंस हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ। मैं चंद सालों में तुम्हें एक ग्लोबल स्टार बनवा सकती हूँ। तुम एक्साइटेड नहीं हो रही? सोच रही हूँ। यार तुम सोचती बहुत हो, तुम्हारे कैरेक्टर का यही फ्लॉ। अब तुम देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम आगे बढ़ो, और तुम जो है पता नहीं किस सोच में चली गई हो। यार सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें आगे बढ़ना है, तुमने बड़ा स्टार बनना है, तुमने अपने लिए कुछ करना है। बहुत हो गया यार दूसरों के लिए करते करते, अब तुम आगे बढ़ो, अपने लिए कुछ करो। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है, क्यों तुम इतना सोच रही हो? तुम सोचो नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, ट्रस्ट मी। एक दफा चांस तो लो। ऑफिस में हो? जरा आना जल्दी। हफ्ते पहले अपने रोल के मुख्तसर होने की वजह से फिल्म की शूटिंग से इनकार कर दिया।
हेलो मोमी भाई। हाँ वो जो एक दफा एक एक्ट्रेस को तुम लेके आए थे ऑडिशन के लिए जिसने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, क्या नाम था उसका? मोमना सुल्तान। क्लिफ हैक्टर की अगली फिल्म करने गई हुई है अमेरिका में आजकल। देखा है मैंने न्यूज में, यहाँ तो दुपट्टा उतारने के लिए तैयार नहीं थी, आई गेस वहाँ जाके रूल्स चेंज हो गए होंगे। एक अमेरिकन बॉर्न पाकिस्तानी की गूंगी बीवी का रोल है जिसके हस्बैंड पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लग जाता है और फिर वो खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद उसकी बीवी उसको बेगुनाह साबित करने के लिए कोशिशें करती रहती है। लेम। एनीवेज जाके मुझे कल का स्केड्यूल बताओ। हाँ मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ। सारी दुनिया की लानत पड़े इस नास पीटे पर, मरदूद मेरी बालियां लेकर भाग गया। पाई पाई जोड़ के बनवाई थी मैंने। झूमर मेरे लिए कोई काम थी? अभी कोई फंक्शन नहीं है मेरे पास, जब कोई फंक्शन आएगा तो आऊंगी तेरे पास मेकअप कराने। हाय मेरी बालियां, पूरे 1.5 तोले की बनवाई थी मैंने। मेकअप का काम नहीं, कोई और काम, सेलमैनी चौकीदारी वगैरह। सेल्समैनी के लिए खड़े रहना पड़ता है और चौकीदारी के लिए भागना पड़ता है। तू ये दोनों काम नहीं कर सकता। तू वो काम क्यों नहीं करता जिसकी सलाहियत तुझे अल्लाह ने दी है? मोमिना के ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें ये काम पसंद नहीं है। मैंने लड़के से वादा किया है कि छोड़ दूंगा। मोमिना बाजी के लिए छोड़ा तो फिर ठीक कर रहा है सुल्तान भाई। एक ही औलाद है मेरी, मैं सोचता हूँ उसका मुस्तकबिल संवर जाए। अगर जहांगीर होता तो मेरी कमर होती, अगर वो। तेरा दिल नहीं दुखेगा मेकअप के उस डब्बे को हमेशा के लिए बंद करते हुए जिसमें तूने हुस्ने जहां की तस्वीर लगाई हुई है? दुखेगा, मैं भी ऐसे ही तड़पूंगा जैसे हुस्ने जहां तड़पी थी अपने बच्चे के लिए। लेकिन इतना प्यार होने के बावजूद उसे अपने से दूर कर दिया था। एक बात कहूं छोड़? हाँ हाँ कहो। उसने जहां के बाद उस डब्बे को खोलने को कभी मेरा दिल नहीं किया। रिस्क की मजबूरी ना होती तो मैं उस डब्बे को कभी ना खोलता। जहांगीर के बाद तो उस डब्बे में यादों के सिवाय कुछ भी नहीं रखा। सबर कर सुल्तान भाई, मुझे देख, मैं भी तो सबर कर रही हूँ अपनी बालियों पे। हाय जूना मार्केट से बनवाई थी मैंने, पूरे 1.5 तोले की। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम पहले सनम पे काम कर लेते हैं, then we can definitely move on to this new subject. और मोमिन अगर सोचा जाए तो कितना सेंसिटिव टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने प्री प्रोडक्शन नहीं की, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। देखो सारा काम हो जाए और मैं वैसे भी तुम्हारी शूट उन्हीं डेट्स में करूंगा जो मैंने तुम्हारी सनम के लिए ली थी, तो 10 मिनट में शूट। हाँ और अगर कोई डिले आया भी तो 1-2 हफ्ते का आएगा, महीनों पे बात नहीं जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, बट जस्ट अ क्वेश्चन कि सनम को पहले कंप्लीट करने में ऑब्जेक्शन क्या है? आई टोल्ड यू शली कि मैं ये वाली फिल्म सनम से पहले कंप्लीट करना चाहता हूँ, पर आई डोंट गेट इट, तुम्हें एतराज क्या है? सबको ही एतराज है। लुक मोमिन, डोंट माइंड, बट हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि आखिर मोमिन को हो क्या गया है, सनम को होल पे डाल के एक स्पिरिचुअलिटी पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स नॉट लाइक यू, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? यू नो व्हाट, फाइन, अगर उस अब्बास को ज्यादा एतराज है ना तो उसको छोड़ देंगे। And same goes for you. अगर तुम्हें भी एतराज है तो भी छोड़ दो। तंग आ गया हूँ आते दे देंगे। Fine, है spirituality पे film, लेकिन it's still a कल पे moment film. कोई भी इस फिल्म को करने के लिए 2 सेकंड में तैयार हो जाएगा, and you know that. Momin, what's wrong with you? तुम इतना गुस्सा तो कभी भी नहीं करते। Look, you're getting me wrong. That's not what I meant.
मैं तुम्हारे साथ हूँ, इट्स जस्ट दैट हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है और स्टोरी लाइन नहीं थी तो इसलिए और लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बट आई एम विद यू. सुनो, मैं कल से स्क्रिप्ट पे काम शुरू कर रहा हूँ. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, परफेक्ट, लेट्स हैव कॉफी. ओके गाइस, आई होप आपको टीना ने और दाऊद ने बताया होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में फिल्म चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई रियली होप कि आप लोग कुछ आइडियाज भी लेके आए हो. बिल्कुल, मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए था. कैसा रेफरेंस? यानी किसी फिल्म या किसी किताब का रेफरेंस के जिस किस्म की कहानी आपको चाहिए. बिल्कुल, अगर ये हो जाए तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी. वैसे बॉस, मैं कुछ आइडियाज लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप हमें कोई रेफरेंस कुछ देने हैं तो बहुत. आप आइडिया सुनाइए पहले. सर बिल्कुल सर, ये बड़ी स्पिरिचुअल कहानी है और टोटली कमर्शियल. तवायफों के कोठे से शुरू होती है. दो तवायफों का दिल, एक सैयद घराने के खूबरू गद्दी नशीन. नेक्स्ट वन प्लीज. सर मेरा ख्याल था कि ये पसंद आएगा, लेकिन एक सेकंड, एक और. एक मजार पे कवाली हो रही है और एक लड़की अपने महबूब के लिए मन्नत मांगने आई है. उस लड़की का महबूब जो. ओ यार, मैं रूहानियत पे फिल्म बनाने की बात कर रहा हूँ और आप लोग मुझे वही रिवायती बातें कह रहे हैं, मजार, कवाली, महबूब. सॉरी मोमिन साहब, लेकिन अगर आप हमें बता दें कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या कहानी में, तो और भी आसानी हो जाएगी. क्या मतलब क्या एग्जैक्टली चाहिए? रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी. रूहानियत क्या है? अल्लाह से ताल्लुक. अल्लाह से ताल्लुक की कहानी चाहिए. अल्लाह से ताल्लुक की वजाहत कर दें तो और भी आसानी हो जाएगी हमें. अल्लाह से ताल्लुक? हाँ, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक क्या है? और वो कौन सी रूहानियत है जो आप इस कहानी में चाहते हैं? मैं राइटर नहीं हूं, आप लोग राइटर्स हैं. हाँ, आप लोग राइटर्स हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्टर आपसे क्या चाह रहा है. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मोमिन साहब, लेकिन डायरेक्टर्स के पास हमेशा कुछ ना कुछ रेफरेंसेस होते हैं. जैसे आप हमें फिल्म समझाते वक्त बताते हैं कि मुझे फलां फिल्म का किरदार चाहिए या कोई रियल लाइफ का किरदार. इसी तरह अगर आप हमें रूहानियत की वजाहत कर दें और अल्लाह से कैसे ताल्लुक की कहानी आप चाहते हैं. ओके ओके फाइन. ओके, रूहानियत. रूहानियत अल्लाह से ताल्लुक. जैसे 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 मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए. हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है, अगली सिटिंग पे बात करते हैं इस बारे में. नो प्रॉब्लम बस, ठीक है. सॉरी. रूहानियत क्या है? अल्लाह से ताल्लुक की कहानी चाहिए. अल्लाह से ताल्लुक की वजाहत कर दें तो और भी आसानी हो जाएगी हमें. अल्लाह से ताल्लुक. जैसे जैसे तुम लोगों को जिस्म दिखाकर नफ्स का सामान पेश कर रहे हो, तुम्हारे किसी किरदार में किसी के रूप को छुआ? क्या दादा ठीक कहते हैं कि मैं
रूह और रूहानी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही अल्लाह को पहचानता, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मुझे पता ना हो? अल्लाह से ताल्लुक की वजाहत कर दें तो और भी आसानी हो जाएगी हमें। अल्लाह से ताल्लुक, रूहानियत क्या है? जैसे जवाब क्यों नहीं आया? जैसे ऐसा मुश्किल सवाल तो नहीं था, या शायद इसलिए मुश्किल हो गया कि मेरा और अल्लाह का ताल्लुक टूट गया। मोहन भाई, ये दादा जान ने भिजवाया था, आज ही आया कार्गो से, कह रहे थे कि आपको दे दूं। क्या इसमें? पता नहीं, खोल दूं? नहीं, यही रख दो। तुम्हारे खत है कल बनो में। अरे हाँ, तुम बड़े ही बेवकूफ होता था मैं बचपन में। मैं अल्लाह ताला को खत लिखता था और बाकी समझता था कि वो मुझे जवाब देंगे। क्या जवाब नहीं दिया तुम्हें अल्लाह ने? इन खतों के बाद ही तो मैं मिला था तुमसे, और मैं ये समझता रहा कि अल्लाह ताला आपको वाकई कहते हैं कि आप मुझे जवाब दें, इसीलिए आपके इतने ढेर सारे खत इसी तरह मेरे पास जमा हुए। तुम बड़े मासूम थे उस वक्त मोहन, तुमने ये खत लिखकर जितनी बड़ी नेकी की थी उसका तुम्हें अंदाजा नहीं। ये खत आए तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल में जितने भी सवाल थे अल्लाह ने मुझे उनका जवाब तुम्हारे हाथों दे दिया। आप रो रहे हैं? नहीं तो बस ये तुम्हारे लिए रखा था, तुम्हें ही देना था। ये पास ही रखे हैं दादा, मैं क्या करूंगा? इनको पढ़कर शायद तुम्हारे दिल में अल्लाह के लिए कोई और सवाल याद आ जाए। अब कोई सवाल नहीं है मेरे पास, सारे जवाब जिंदगी ने दे दिए मुझे।